देशवासियों को व देशवासियों को आज का प्रदेश बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के ऊपर शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और साथ के साथ बाबा साहब अम्बेडकर को हमारी श्रद्धांजलि। देखिए आज देश में फिर से लॉकडाउन जो है 3 मई तक बढ़ गया है, क्योंकि सारी दुनिया इससे झुलस रही है। सबको एक होकर लड़ना है, चाहे वो किसान भाई हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे शहरी हैं, चाहे ग्रामीण हैं, सब एक होकर लड़े। किसान की फसल आई हुई है और वो कटाई पर है, और उसमें मेरे को मालूम लगा है कि सरकार ने कटाई के लिए सिर्फ दिन दिन की इजाजत दी है, लेकिन किसान को दोनों दिन और रात को कटाई की इजाजत दी जाए अपनी फसल कटाई करने की, क्योंकि बहुत सारा काम वो रात को होता है। और मंडियों में पूरा उनके लिए सैनिटाइजर, उनके लिए पानी पीने का इंतजाम और सारा प्रबंध किया जाए, ताकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि वहाँ ज्यादा भीड़ ना हो सके और उनको समय पर उनका अनाज उठाया जाए। और किसान भाइयों से भी मेरा ये निवेदन है कि अपने खेत में कोई अनाज निकलने के बाद वहां ना छोड़े, ये बेमौसमी बारिश से खतरा है, तो अपने भंडारण में ले आए। सरकार को चाहिए कि उनका भंडारण का प्रबंध करें जिनके।